हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई एम फाइन एंड आई होप यू विल बी फाइन टुडे। आई टीच यू द सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 8। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होती है समझ लीजिए। द फूड इज नॉट स्टोर्ड कवर्ड और प्रिजर्व्ड प्रॉपरली दैट गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब कोई भोजन ठीक से कवर्ड नहीं होता, ठीक से रखा नहीं होता ढक करके कवर करके, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, उस भोजन को खराब कर देते हैं, बिखार कर देते हैं, खाने को नहीं छोड़ते। तो भाई दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अवर फूड एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर फूड इन दिस वे गिव्स बैड टेस्ट टू पीपल एंड फूल। जब उस भोजन के ऊपर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ जाते हैं, भोजन के टेस्ट को खराब कर देते हैं, उससे कलर को चेंज कर देते हैं और खराब कर, ठीक है, और इसमें और दुर्गंध आने की वजह से। इफ सच फूड इज ईटन, इट विल बी लीड टू ए फूड पॉइजनिंग, कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। ऐसी अवस्था में रोगी की मृत्यु हो सकती है और गंभीर बीमार हो सकता है। द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर वॉमिटिंग, डायरिया, पेट, एब्डोमेन, हेडेक एंड फीवर। देखिए वॉमिटिंग होती है ऐसी अवस्था में, उल्टी, दस्त, पेन, पेट में दर्द, सर में दर्द एंड बुखार। दस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट फ्रॉम द बीइंग स्पॉइल्ड। भोजन को खराब मत होने दीजिए, उसे बचाए रखिए, स्वच्छ रखिए और उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। फूड प्रदूषण, भोजन को रख रखाव या रक्षा कैसे रखा जाए। फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंस्पेक्ट एंड द एंजाइम मोल्डेड यीस्ट एंड बैक्टीरिया माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज फूड पॉइजनिंग बाय द एक्सट्रूजन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भोजन के ऊपर बैठते हैं तो वहाँ पर टॉक्सिक कैसे जहरीला कर देते हैं भोजन को, वहाँ कैसे पदार्थ होगा केमिकल्स का एक्सेशन करते हैं, शरीर में खराब हो जाता है और जो व्यक्ति को कुछ लोगों को खाता है वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई व्यक्ति खाने को। जबकि मिल्क, दूध, अंडा, मीट एंड स्पॉइल ये सभी पदार्थ कुछ ही समय बाद खराब हो जाते हैं, व्यक्ति स्पॉइल देने तो बैक्टीरिया खराब कर देते हैं। आफ्टर ए फ्यू डेज के दिन बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल्स टू बी टू बिगिन टू ग्रो अप। वी शुड नेवर ईट स्ट्रिक्ट ब्रेड रूटीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। खराब वस्तुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। द फूड प्रिजर्वेशन बिकम इम्पोर्टेंट फॉर अस द रीजन दैट under Indian climatic conditions food stuffs are easily spoiled। भारत के वातावरण के हिसाब से चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व बाई प्रोवाइडिंग कंडीशन कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक। ऐसी जगह पर भोजन का रख रखाव करना चाहिए जहाँ पर माइक्रोऑर्गेनिज्म न पहुँच सके न डब लगा सके। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर वायरस के लिए कर दिन लगा देनी चाहिए, इससे वहाँ पर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है, ईस्ट वगैरह। द फूड प्रिपरेशन इन दिस प्रोसेस ऑफ कुकिंग अनफेवरेबल कंडीशन टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशनल वैल्यू
टेक्सचर एंड द फ्लेवर ऑफ फूड। ठीक, ऐसे अवस्था में क्या होता है कि ये भोजन को खराब नहीं कर पाते और किशन आज के टाइम पर हमारे नेक्स्ट बाय।